कोरोना की महामारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जो राज्य इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं, उनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में 2766 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या यहां 50 से ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा, वरना कार्रवाई होगी। गृह विभाग के हॉटस्पॉट के एरियाज में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 37,136 FIR दर्ज कर दी गई हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी रूप में जो है नियमों का उल्लंघन होगा, कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हालात खराब जरूर हैं, मगर यूपी में धीरे धीरे काम धंधा शुरू हो रहा है। ललितपुर और चंदौली में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम अब शुरू हो गया है। हमीरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो जिला प्रशासन ने यहां दुकानें खुलने की समय सारणी अलग से बना दी। आप लोग एक जगह इकट्ठे न हो, दूर दूर रहे। यानी अलग अलग सामान की दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी ताकि भीड़ ना जुटे। यूपी के अलावा कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश भी जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,942 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 165 तक पहुँच गया है। दोनों राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं, मगर सरकारें पूरा दमखम लगा रही हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। मगर संक्रमण तभी रुकेगा जब लोग नियमों को मानेंगे।